हेलो ऑफिसर्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? मेरा नाम है पूजा सोनी और आज के इस सेशन में हम लोग सारे जितने भी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स रहे हैं मई 2020 मंथ के, वो सब कवर करने वाले हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल द मंथ ऑफ मई 2020 विल बी कवर्ड इन दिस वीडियोस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट स्लाइड ऑफ आवर सेशन। पहला हमारा जो अपॉइंटमेंट है वो है TS त्रिमूर्ति। इनको किस तौर पे नियुक्त किया गया है? तो TS त्रिमूर्ति इज आवर नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशन। मतलब यूनाइटेड नेशन में इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव अब रहेंगे कौन? TS त्रिमूर्ति। TS त्रिमूर्ति विल बी न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशंस। और दूसरा हमारा अपॉइंटमेंट है आज का नीरज व्यास। नीरज व्यास कौन है? तो नीरज व्यास को नया इंटरिम मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO यानी कि MD CEO इंटरिम बनाया गया है PNB हाउसिंग फाइनेंस का। PNB हाउसिंग फाइनेंस को कंफ्यूज मत कीजिएगा PNB बैंक से, क्योंकि PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक जो है वो अलग एंटिटी है और पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस जो है वो डिफरेंट एंटिटी है। पंजाब नेशनल बैंक की जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है, उसके CEO एंड MD हैं SS मल्लिकार्जुन राव। इसका हेडक्वार्टर है नेम यू कैन बैंक अपॉन, द नेम यू कैन बैंक अपॉन, लेट मी राइट, द नेम यू कैन बैंक अपॉन। The name you can bank upon, ये इसका टैगलाइन है। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में है फिलहाल, लेकिन इसका एस्टैब्लिशमेंट जब हुआ था 1894 में तो इसका हेडक्वार्टर था लाहौर पाकिस्तान में, जो कि अभी शिफ्ट होकर के दिल्ली में हो चुका है। और इसके अलावा हम देख पा रहे हैं यहाँ पे गूगल पे के नए एम्बेसडर कौन, एडवाइज़र कौन बने हैं? शिखा शर्मा। गूगल पे के नए एडवाइज़र हैं शिखा शर्मा, इनको अपॉइंट किया गया है गूगल पे के नए एडवाइज़र के तौर पे। सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस यानी कि MSME के मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी किनको बनाया गया? तो अरविंद कुमार शर्मा को। अरविंद कुमार शर्मा इज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ MSME। MSME मिनिस्ट्री के नए सेक्रेटरी कौन बने हैं? अरविंद कुमार शर्मा, ठीक है। तो इसको हम लोग डिटेल में थोड़ा पढ़ लेते हैं। MSME मिनिस्टर कौन है अभी फिलहाल? तो MSME मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी इज आवर रोड हाईवे एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑल्सो, एंड ही इज ऑल्सो MSME मिनिस्टर। और ये यूनियन मिनिस्टर हैं कहाँ से, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ है? तो नागपुर इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, महाराष्ट्र से ये सांसद हैं। तो नागपुर हमारे नितिन गडकरी जो है MSME मिनिस्टर हैं। सेक्रेटरी किनको अपॉइंट किया गया है? तो अरविंद कुमार शर्मा को, याद रहेगा। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बनाया गया है। इसके मिनिस्ट्री हैं स्मृति ईरानी, ठीक है। स्मृति ईरानी इज फ्रॉम अमेठी, उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है अमेठी से है। मिनिस्ट्री कौन है, किनके पास है? तो स्मृति ईरानी के पास, स्मृति ईरानी के पास है। लेकिन सेक्रेटरी किनको बनाया गया नया? अजय तिर्के। अजय तिर्के इज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट, ठीक है। तो अगले सेक्रेटरी कौन बने हैं? रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज के, रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज के मिनिस्टर कौन है? अगेन दोबारा बता देती हूँ, नितिन गडकरी, जो कि नागपुर से सांसद हैं। लेकिन इनके सेक्रेटरी किनको बनाया गया है? गिरिधर अरमाने। गिरिधर अरमाने जो हैं रोड एंड ट्रांसपोर्ट के लिए हैं, ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के लिए। और ये जो हमारे अरविंद कुमार सक्सेना थे वो MSME के लिए थे। अरविंद कुमार सक्सेना जो हैं सेक्रेटरी ऑफ MSME हैं, और गिरधर अरमाने जो हैं रोड एंड ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी बने हैं। नए रोड एंड ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी कौन हैं? तो गिरधर अरमाने। नेक्स्ट हमारे यस बैंक के नए चीफ रिस्क ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। चीफ रिस्क ऑफिसर यस बैंक के नए कौन बने हैं? नीरज धवन। ओके दोस्तों, यस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आते हैं यस बैंक का थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं। यस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। इसके CEO एंड MD कौन है? तो CEO एंड MD हैं प्रशांत कुमार इज द MD CEO। और इसके चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है सुनील मेहता। ओके दोस्तों, और इसका टैगलाइन क्या है? तो इसका टैगलाइन भी बहुत इंटरेस्टिंग सा है, एक्सपीरियंस योर एक्सपर्टाइज, ठीक है दोस्तों। तो एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज इज द टैगलाइन। मुंबई हेडक्वार्टर, MD CEO है प्रशांत कुमार, चेयरमैन है सुनील मेहता, और अभी नए बने हैं चीफ रिस्क ऑफिसर कौन? नीरज धवन इज द न्यू चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ यस बैंक, ठीक है दोस्तों।
नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपॉइंटमेंट्स पर तरुण बजाज. ओके, तो तरुण बजाज क्या बने हैं? तरुण बजाज इज द न्यू डायरेक्टर इन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तरुण बजाज और देवाशीष पांडा को भी नियुक्त किया गया था. एक एडिशनल है यहाँ पे, ऐड कर लीजिए देवाशीष पांडा. ओके, तो इन दोनों को नियुक्त किया गया है डायरेक्टर के पद पे, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. जो सेंट्रल बोर्ड है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, उसमें दो न्यू डायरेक्टर चुने गए हैं, तरुण बजाज एंड देवाशीष पांडा. ठीक है, मेंबर चुने गए हैं और उसके डायरेक्टर कौन है? तो तरुण बजाज. नेक्स्ट, यूएस में यूएस रिप्रेजेंटेटिव टू वर्ल्ड बैंक लीडिंग हैंड इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट. यानी कि वर्ल्ड बैंक की एक जो सब्सिडरी है, वर्ल्ड बैंक की सब्सिडरी है बैंक फॉर इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट. ये वर्ल्ड बैंक की एक सब्सिडरी है जिसके नए यूएस की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव चुने गए हैं. किनको? इंडिया ओरिजिन के हैं, इंडियन हैं, अशोक माइकल पिंटो. ठीक है, अशोक माइकल पिंटो जो है यूएस रिप्रेजेंटेटिव बने हैं नए वर्ल्ड बैंक के सब्सिडरी कंपनी यानी कि IBRD में. IBRD यानी कि जो वर्ल्ड बैंक की सब्सिडरी कंपनी है उसमें यूएस रिप्रेजेंटेटिव नए कौन नियुक्त किए गए हैं? अशोक माइकल पिंटो को. अशोक माइकल पिंटो याद रहेगा. ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं MD CEO नए बने हैं मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस के. मैक्स बूपा जो है वो दो अलग अलग कंपनीज की ज्वाइंट वेंचर है दोस्तों. मैक्स जो है इंडियन कंपनी है, मैक्स लिमिटेड, और बूपा जो है वो ब्रिटिश कंपनी है. ठीक है, तो मैक्स और बूपा दोनों का एक ज्वाइंट वेंचर है मैक्स बूपा. इसके तरफ से हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड किया जाता है. तो इसके नए MD और CEO कौन बने हैं? कृष्णन रामचंद्रन. ओके, कृष्णन रामचंद्रन इज द न्यू MD एंड CEO ऑफ मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस. नेक्स्ट अपॉइंटमेंट पर आते हैं लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला. ये क्या है? राज शुक्ला क्या है भाई? तो राज शुक्ला जो है आर्मी ट्रेनिंग कमांड के नए इंचार्ज हैं. आर्मी ट्रेनिंग कमांड का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? तो 1 अक्टूबर 1991 को ये आर्मी ट्रेनिंग कमांड का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था. इसका हेडक्वार्टर जो है वो शिमला में है दोस्तों, शिमला. ठीक है, इसका हेडक्वार्टर शिमला में है. और पहले जब इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था ना 1991 में, तो इसका हेडक्वार्टर महू मध्य प्रदेश था. ठीक है, महू मध्य प्रदेश से शिफ्ट करके अभी इसका करंट हेडक्वार्टर कहाँ है? शिमला में. तो याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर है शिमला में. इसके नए इंचार्ज कौन बने हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला. राज शुक्ला इज द न्यू इंचार्ज ऑफ आर्मी ट्रेनिंग कमांड. आर्मी ट्रेनिंग कमांड के नए इंचार्ज कौन है? राज शुक्ला, लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला. ठीक है, अगले बढ़ते हैं हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट के नए DG बने हैं. लेबर एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री किनके पास है? लेबर एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है संतोष जी गंगवार. संतोष गंगवार के पास है करंट मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्पावरमेंट. लिख देते हैं यहाँ पे संतोष गंगवार. ओके, संतोष गंगवार इज द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्पावरमेंट. और ये दिल्ली इसका हेडक्वार्टर हो गया. और DG कौन बने हैं नए? DG बने हैं DPS नेगी. DPS नेगी इज द न्यू DG ऑफ लेबर ब्यूरो ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्पावरमेंट. ठीक है, तो लेबर मिनिस्ट्री के नए DG कौन बने हैं? DPS नेगी. फिर अगला बढ़ते हैं हम लोग चेयरमैन ऑफ PAC. PAC का मतलब पब्लिक अकाउंट कमेटी. पब्लिक अकाउंट कमेटी पार्लियामेंट के नए चेयरमैन कौन बने हैं? अधीर रंजन चौधरी. इसको कभी भी कन्फ्यूज मत कीजिएगा आप. CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, इससे कभी कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है. CGA जो है वो सोमा रॉय बर्मन है. ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है. ये पब्लिक अकाउंट कमेटी है और ये कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ये दोनों डिफरेंट होते हैं. तो पब्लिक अकाउंट कमेटी कौन है फिलहाल? अधीर रंजन चौधरी नए बने हैं. पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन कौन है? अधीर रंजन चौधरी. नेक्स्ट अपॉइंटमेंट पर आते हैं इराक के नए PM बने. इराक के नए PM का नाम क्या है? मुस्तफ़ा अल खदीमी. इराक की कैपिटल करेंसी की बात करें तो बगदाद एंड दिनार. होप यू ऑल नो बगदाद इज द कैपिटल एंड दिनार इज द करेंसी. ओके दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं इंदु शेखर चतुर्वेदी क्या है? तो ये नए सेक्रेटरी बनाए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी. न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री किनके पास है? तो ये आर के सिंह के पास है. और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है आरा बिहार. ठीक है, आरा बिहार इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है. फिलहाल उसके सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो इंदु शेखर चतुर्वेदी याद रखिएगा. नए सेक्रेटरी कौन बने हैं मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के? इंदु शेखर चतुर्वेदी. देन अगेन हम लोग आगे बढ़ते हैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन. इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के नए
जो प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं वो कौन है, नरेंद्र बत्रा। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का नया जो हेड नियुक्त किया गया है प्रेसिडेंट के तौर पे जिनको नियुक्त किया गया है वो कौन है, तो नरेंद्र बत्रा। इसके सीईओ भी पूछा जा सकता है, थोड़ा ट्विस्ट करने के लिए एग्जामिनर आपको प्रेसिडेंट ना पूछ के अगर सीईओ पूछ दे तो कन्फ्यूज मत होइएगा, दोनों अलग अलग पर्सनल हैं। सीईओ कौन है, तो थियरी विल, ठीक है याद रखिएगा, थियरी विल, WEILL, ठीक है कन्फ्यूज नहीं होना है। सीईओ अलग है, प्रेसिडेंट अलग है, सीईओ है थियरी विल, और प्रेसिडेंट कौन नए बने हैं, तो नरेंद्र बत्रा, ठीक है याद रहेगा। और इसका हेडक्वार्टर क्या है, इसका हेडक्वार्टर है लुसाने में, ठीक है लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अगला फिर आगे देखते हैं हम लोग, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर न्यू डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए डीजी किनको बनाया गया है, नए डायरेक्टर जनरल हैं वी विद्यावती। वी विद्यावती इज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ये किनके पास है, प्रहलाद सिंह पटेल के पास, प्रहलाद सिंह पटेल, ओके ठीक है। इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है, दिल्ली में है याद रखिएगा अगर रखना चाहे तो, और इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1861। ओके काफ़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल गई हमें। मिनिस्ट्री ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज एंटिटी, ठीक है ये किसके अंतर्गत आता है, कल्चरल मिनिस्ट्री के द्वारा, कल्चर मिनिस्ट्री के अंतर्गत, और इसके हेड मतलब कल्चर मिनिस्ट्री किनके पास है, तो प्रहलाद सिंह पटेल के पास। डीजी कौन नया बने हैं, वी विद्यावती, वी विद्यावती इज द न्यू डीजी, और इसका एस्टैब्लिशमेंट 1861, हेडक्वार्टर दिल्ली। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट देखते हैं मनोज आहूजा, इनको सीबीएसई का नया चेयरमैन बनाया गया है। सीबीएसई के नया चेयरमैन कौन है, मनोज आहूजा, ठीक है। फिर हम लोग देख रहे हैं सेक्रेटरी बनाए गए हैं यूपीएससी के, यूपीएससी के सेक्रेटरी बने हैं, ध्यान दीजिए सेक्रेटरी, ठीक है कौन है, वसुधा मिश्रा। वसुधा मिश्रा इज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ यूपीएससी, जो कि पर्सनल डिपार्टमेंट और एंड ट्रेनिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये सेक्रेटरी बने हैं यूपीएससी के, यूपीएससी के हेड कौन है, हेड कौन है, सेक्रेटरी तो वसुधा मिश्रा बने हैं। यूपीएससी के प्रेसिडेंट मतलब चेयरमैन कौन है, कौन है, अरविंद सक्सेना, अरविंद सक्सेना, ओके अरविंद सक्सेना, और इसका हेडक्वार्टर अगेन दिल्ली में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बेंजामिन नेतन्याहू, ये क्या बने हैं, तो ये इसराइल के नए पीएम हैं। इसराइल के नए पीएम का नाम क्या है, इसराइल के नए पीएम हैं बेंजामिन नेतन्याहू। इसराइल की कैपिटल करेंसी देख लेते हैं एक बार, इसराइल के नए पीएम कौन बने हैं याद रखिएगा, बेंजामिन नेतन्याहू, और ये दोबारा से री इलेक्ट हुए हैं, नए नहीं चुने गए हैं, ये दोबारा से री इलेक्ट हुए एक तरह से। तो इसका कैपिटल करेंसी है जेरूसलम, और इसका कैपिटल है न्यू शेकेल, जेरूसलम इज द कैपिटल, और यहाँ पे करेंसी चलती है न्यू शेकेल, ओके ठीक है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट्स देखते हैं, जम्मू कश्मीर बैंक के नए एमडी बने हैं, नए एमडी कौन है जम्मू कश्मीर बैंक के, जुबैर इकबाल, जुबैर इकबाल इज द न्यू एमडी ऑफ जम्मू कश्मीर बैंक। इसके सीईओ पूछे जाएंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है, सीईओ हैं आर के छिब्बर, ये भी नए न्यू ही अपॉइंट हुए थे, आर के छिब्बर, ठीक है आर के छिब्बर इज द सीईओ, और जुबैर इकबाल इज द करेंट एमडी ऑफ जम्मू कश्मीर बैंक, और इसका एस्टैब्लिशमेंट 1 अक्टूबर 1938 को हुआ था। इसका टैगलाइन क्या है, तो टैगलाइन है इसका सर्विंग टू एम्पावर, क्या है, सर्विंग टू एम्पावर, ओके दोस्तों सर्विंग टू एम्पावर। फिर नेक्स्ट देखते हैं नीरव कुमार प्रसाद, नीरव कुमार प्रसाद क्या अपॉइंट किए गए हैं, नीरव कुमार प्रसाद इज द न्यू कमिटी हेड ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा एक कमेटी फॉर्म किया गया है आंध्र प्रदेश के लिए बेसिकली फोकस्ड, तो उसके हेड कौन है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई है आंध्र प्रदेश फोकस्ड, ये कमेटी है, तो ये इसके हेड कौन है, नीरव कुमार प्रसाद। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा फोकस्ड एक कमेटी बनाई गई है, कौन, नीरव कुमार प्रसाद है इसके हेड। आंध्र प्रदेश की गवर्नर और सीएम की बात करें तो कौन है, आंध्र प्रदेश का कैपिटल हो गया अमरावती का, और वाइस जगनमोहन रेड्डी वहाँ पे सीएम, विश्वभूषण हरिचंदन इज द गवर्नर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल रियल इस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल रियल इस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल का हेड जो अभी नए बने हैं, डीजी जो बने हैं, डीजी बने हैं याद रखिएगा, डीजी नया कौन है, राजेश गोयल, राजेश गोयल इज द न्यू हेड डीजी, डीजी ऑफ नारेडको, ठीक है। इसके प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट है निरंजन हीरानंदानी, और चेयरपर्सन है राजीव तलवार, ये मत भूलिएगा, ठीक है राजीव लिख देती हूँ, राजीव तलवार, राजीव तलवार इज द चेयरमैन, ठीक है। और प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट हैं निरंजन हीरानंदानी, हीरानंदानी,
ओके, निरंजन हीरानंदानी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हमें इसका भी हेडक्वार्टर दिल्ली में ही है, याद रखिएगा। अगला हमारा नाबार्ड के नए चेयरमैन नियुक्त किए हैं। पहले कौन थे? हर्ष कुमार भानवाला थे, उनको रिप्लेस करके गोविंदा चिंतला राजुलू, गोविंदा राजुलू चिंतला नए चेयरमैन बने हैं हमारे नाबार्ड के। नाबार्ड का एस्टैब्लिशमेंट अगेन 12 जुलाई 1982 इसका भी हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ? मुंबई में। नेक्स्ट आते हैं हमारे अपॉइंटमेंट, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। नाबार्ड के देखिए, अभी आपने देखा क्या कि चेयरमैन बने हैं चिंताला गोविंदा राजुलू, और यहाँ पे है डिप्टी एमडी। डिप्टी एमडी दो चुने गए हैं, याद रखिएगा, दो डिप्टी एमडी चुने गए हैं नाबार्ड के। कौन है? साजी केवी इज द वन ऑफ द डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नाबार्ड, साजी केवी। और दूसरे हैं पी वी एस सूर्य कुमार और साजी केवी इज द न्यू एमडीज ऑफ नाबार्ड। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं आप पे स्टील एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? दिलीप ओमेन। ठीक है, इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट कौन हैं? दिलीप ओमेन। ठीक है, इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए हेड दिलीप ओमेन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फिर नेक्स्ट यहाँ पे लेसेथो के पीएम, लेसेथो के नए पीएम चुने गए हैं। लेसेथो के नए पीएम कौन है? यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, मुकेत्सी मजुरो। इसको क्या पढ़ेंगे? मुकेत्सी मजुरो। ठीक है, मुकेत्सी मजुरो। लेसेथो के कैपिटल करेंसी देख लेते हैं, मासेरू और लोटी। वहाँ पे करेंसी है लोटी, कैपिटल हो गया मासेरू। नेक्स्ट, हेड ऑफ द कमिटी डेवलप टू फॉर्म रिफॉर्म इन ड्रग रेगुलेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। ड्रग रेगुलेशन सिस्टम ऑफ इंडिया में कुछ अमेंडमेंट लाने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए कमेटी बनाया गया। ड्रग रेगुलेशन सिस्टम ऑफ इंडिया को डेवलप करने के लिए कमेटी बना, उसके हेड कौन है? राजेश भूषण इज द हेड ऑफ कमिटी टू डेवलप द रिफॉर्म्स इन ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट्स देखते हैं। वाइस प्रेसिडेंट चुने गए हैं, और वाइस प्रेसिडेंट और चीफ इकोनॉमिस्ट के पोस्ट पे भी। कहाँ? वर्ल्ड बैंक के नए वाइस प्रेसिडेंट और चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? कार्मेन रिनहार्ट। और अभी रिसेंटली एक न्यूज़ है कि अशोक लवासा, जो कि हमारे इंडिया के इलेक्शन कमिश्नर है फिलहाल, उनको एडीबी में वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक में। तो वो हम लोग बाद में आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए याद रखिएगा, नए वाइस प्रेसिडेंट जो हैं चीफ इकोनॉमिस्ट के पद पे भी किनको नियुक्त किया गया है? कार्मेन रिनहार्ट को वर्ल्ड बैंक में। ठीक है, अगला हम देख रहे हैं यहाँ पे फिक्की के हेड है ऐसे संगीता रेड्डी। फिक्की के प्रेसिडेंट कौन है? संगीता रेड्डी। ठीक है, लेकिन फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के नए प्रेसिडेंट कौन है? फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के 37th नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? जानवी फुक्कन। अगला है हमारा वर्ल्ड बैंक के प्रैक्टिस मैनेजर ऑन क्लाइमेट चेंज को लेकर के वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक प्रैक्टिस टीम बनाई गई है, जिसके हेड कौन है? आभाष झा। याद रखिएगा, आभाष झा। दोबारा पढ़ देती हूँ, वर्ल्ड बैंक प्रैक्टिस मैनेजर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फॉर साउथ एशिया रीजन के क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के एक कमेटी बनी है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, उसके हेड कौन है? आभाष झा। ठीक है, और रिपब्लिक ऑफ नाइजर के नए एम्बेसडर कौन है? इंडिया की तरफ से रिपब्लिक ऑफ नाइजर में नए एम्बेसडर कौन है? पी के नायर। याद रखिएगा, पी के नायर। तो नाइजर की हम लोग कैपिटल करेंसी देख लेते हैं। नाइजर और नाइजीरिया दोनों डिफरेंट कंट्रीज से, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। नाइजर का कैपिटल है निमाय और करेंसी फ्रैंक है, निमाय और करेंसी है फ्रैंक। और इससे सिमिलर एक कंट्री है नाइजीरिया। नाइजीरिया का क्या होता है? अबूजा और नायरा होता है, अबूजा और कैपिटल है अबूजा और करेंसी है नायरा। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट पर आते हैं प्रतिभा पारकर। प्रतिभा पटेल नहीं है, याद रखिए, प्रतिभा पारकर है। प्रतिभा पारकर क्या है? तो रिपब्लिक ऑफ अंगोला की नए एम्बेसडर, मतलब इंडिया की तरफ से रिपब्लिक ऑफ अंगोला की राजदूत कौन है? प्रतिभा पारकर। तो अंगोला का हम कैपिटल करेंसी देख लेते हैं, इसका कैपिटल है लुआंडा और इसकी करेंसी है क्वांचा है। ठीक है, क्वांचा, KWANZ। याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है सिंगापुर के लिए भी नए हाई कमिश्नर चुने गए हैं। सिंगापुर, इंडिया की तरफ से सिंगापुर के लिए नए हाई कमिश्नर कौन है? पेरियास्वामी कुमारन या फिर पी कुमारन भी कह सकते हैं। सिंगापुर के लिए कौन बने हैं? पेरियास्वामी कुमारन। ठीक है, नेक्स्ट,
मार्कोस ट्राइजो कौन है भाई? तो ब्रिक्स बैंक या फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जिसको जाना जाता है, अब न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से ही जाना जाता है, पहले ब्रिक्स बैंक के नाम से जाना जाता था। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए प्रेसिडेंट बने हैं, पहले थे केवी कामत, उनको रिप्लेस करके नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के? मार्कोस ट्राइजो अगेन। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट देखते हैं, वाइस प्रेसिडेंट और चीफ ऑफिसर बने हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के। न्यू डेवलपमेंट बैंक इसी बैंक के, न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि ब्रिक्स बैंक के ही नए वाइस प्रेसिडेंट और चीफ रिस्क ऑफिसर भी बने हैं। प्रेसिडेंट कौन बने हैं? मार्कोस ट्राइजो, याद रखिएगा, प्रेसिडेंट बने हैं मार्कोस ट्राइजो और वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं? अनिल किशोरा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, कैप जेमिनी ग्रुप इज अ कंपनी, उसके नए CEO अपॉइंट किए गए हैं इमान इज्जत इज द न्यू CEO ऑफ कैप जेमिनी ग्रुप के नए CEO कौन है? एमान इज्जत। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 अक्टूबर 1967 को। ठीक है, और इसके हेड कौन है? इसके हेड नए CEO बने हैं इमान इज्जत। ठीक है, नेक्स्ट विप्रो के कौन है? थेरी दिलापोते। विप्रो के नए MD कौन है? MD CEO है नए थेरी दिलापोते इज द न्यू CEO एंड MD ऑफ विप्रो। विप्रो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु, एस्टैब्लिशमेंट 29 दिसंबर 1945। ठीक है, 1945 इसके हेड हैं थेरी दिलापोते, नए बने हैं CEO MD कौन है? विप्रो के थेरी दिलापोते। ओलंपिक चैनल कमीशन यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन, जिसके हेड थॉमस बैच है, लुसानी हेडक्वार्टर है, यानी कि उनके फिर नए अभी कौन बने हैं? ओलंपिक चैनल कमीशन के नए मेंबर कौन चुने गए हैं? तो इंडिया के हॉकी कोच कौन है? नरेंद्र बत्रा, उनको चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट, और ये इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के भी नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के भी। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि जेपी मॉर्गन एक कंपनी है, इसके साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया रीजन के लिए नए चेयरमैन चुने गए हैं लियो पुरी को नया चेयरमैन बनाया गया है जेपी मॉर्गन कंपनी का साउथ एंड साउथ एशिया रीजन के लिए। ठीक है, साउथ एंड साउथ एशिया रीजन के लिए जेपी मॉर्गन कंपनी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? लियो पुरी, याद रहेगा। ठीक है, तो अगला हम लोग देख रहे हैं जेपी मॉर्गन के लिए बता दूं, ये एक US की कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। जेपी मॉर्गन US की कंपनी है, हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क। ठीक है, और इसके हेड कौन है? जेमी डिमॉन। ठीक है, इसके हेड कौन है? जेमी डिमॉन, जेपी मॉर्गन के, और साउथ और साउथ एशिया रीजन के लिए है लियो पुरी। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे को फाउंडर ऑफ जोमेटो कंपनी की अगर बात करें तो जोमेटो कंपनी के CEO हैं दीपेंद्र गोयल। CEO याद रखिएगा, CEO अलग है, कौन है? दीपेंद्र गोयल। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके नए को फाउंडर है मोहित गुप्ता। फर्स्ट केरला की जो है वुमेन DG चुनी गई है। वुमेन DG कौन है? केरला की पहली वुमेन DG कौन है? R. Srirekha। केरला की अगर बात करें तो PSCM हो गए पिनाराई विजयन, और गवर्नर हो गए आरिफ मोहम्मद खान, कैपिटल हो गया तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट आते हैं MD CEO बने हैं ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से कंफ्यूज नहीं करना है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स अलग एंटिटी है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, उसका हेडक्वार्टर आपका गुरुग्राम हो गया, और MD CEO है वहाँ के मुकेश कुमार। ठीक है, मुकेश कुमार जैन है, और वहाँ पे उसका टैगलाइन क्या है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का? वेयर एवरी इंडिविजुअल इज कमिटेड। यहाँ पे हम लोग बात करें ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के नए चेयरमैन MD कौन है? एस एन राजेश्वरी। ठीक है, अगला हम लोग देख रहे हैं इंडिगो कंपनी के नए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चुने गए हैं, किनको? वेंकटा रमानी सुमंत्रन। इंडिगो कंपनी के नए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किनको चुना गया है? वेंकटा रमानी सुमंत्रन को, ये गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके हेड कौन है? तो प्रेसिडेंट कौन है? इंडिगो कंपनी के हेड कौन है, CEO कौन है? तो वो है रोनोजॉय दत्त। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग ने यहाँ पढ़ा था कैपजेमिनी के बारे में, कैपजेमिनी के नए CEO चुने गए हैं इमान इज्जत, ये हम लोग पहले कर चुके हैं, रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग इस सेशन को एंड करते हैं, आने वाले वीडियो में आपको जो नए अपॉइंटमेंट हैं जुलाई मंथ के वो प्रोवाइड किए जाएंगे, एक बार जुलाई मंथ खत्म होता है तो। आने वाले वीडियोज़ में कल फिर आपको जून मंथ का भी सारा अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। 12 बजे ये एडिशनल वीडियोज़ डाले जा रहे हैं इन्फॉर्मेशन के, जो कि आपके मेंस के ऊपर बेस्ड है,
तो इन्जॉय कीजिए इन सभी क्लासेस को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए अगर सेशन अच्छा लगा तो। सारे अपॉइंटमेंट कवर कर लिए गए आज के सेशन में पूरे मई मंथ के, कल मिल जाएगा आपको जून का भी वीडियो। तो टिल देन स्टे कनेक्टेड, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।